साथियों, केंद्र और राज्य में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से और दोनों सरकारों के साझा प्रयासों से गुजरात के विकास में आने वाली अनेक अड़चनें दूर हुई है। ऐसी ही एक अड़चन नर्मदा डैम को लेकर थी और अभी विजय जी ने उसका काफी वर्णन भी किया। आज हम अनुभव कर रहे हैं कि समस्या का समाधान होते ही कैसे नर्मदा का पानी गुजरात के अनेक गांवों की प्यास बुझा रहा है, किसानों को लाभ पहुंचा रहा है। साथियों, सौनी योजना हो या फिर सुजलाम सुफलाम योजना, इन दोनों योजनाओं ने जो गति पकड़ी है उससे आज गुजरात के लाखों परिवारों को सुविधा मिल रही है। गुजरात में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो पा रही है और मुझे खुशी है कि जल संचयन हो या गांव गांव जल पहुंचाने का अभियान हो, गुजरात ने इसमें अपनी एक महारत हासिल की है, योजनाबद्ध तरीके से सिद्धि प्राप्त की है और उसमें वहां के नागरिकों की भी भागीदारी है। ये जन भागीदारी से हुआ है और ऐसे ही प्रयासों से हम 2024 तक हर घर जल पहुंचाने में, पूरे देश की बात मैं कर रहा हूं, हम सफल होंगे।